तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि होती है हमारी एडवांस सेंसिटिविटी। तो देखो यार, ज़्यादातर होता है कि हम अपना सेंसिटिविटी ठीक ठाक कर लेते हैं और हम सोचते हैं कि भाई अब हमारा गेम प्ले ठीक ठाक हो जाएगा, बट हम जो है हमारा एडवांस सेंसिटिविटी को ठीक करना भूल जाते हैं। और हमारी गेम प्ले को एक अनदर लेवल में ले जाने के लिए हमारा एडवांस सेंसिटिविटी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। और वो कैसे होता है, चलो मैं इस वीडियो में तुमको आगे बताता हूँ। तो मेक श्योर यार तुम लोग वीडियो पूरा देखना, और हाँ अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो गाइस अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार चाहे आपको ऐसे जिगल देना हो प्रॉपर, या फिर तुमको कुछ इस टाइप से स्प्रे देना हो, तो यार इन सभी चीज़ों में ना तुम्हारा जो एडवांस सेंसिटिविटी होता है उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो सबसे पहले तो चलो हम अपना ही फायर से स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, जब तुम मतलब M4 में ही फायर दोगे और अब वहीं तुम M762 से ही फायर देने की कोशिश करोगे, है ना, तो तुम देखोगे कि जो तुम्हारी M4 है वो तुम्हारे M762 से कुछ ज़्यादा एक्यूरेट लगेगी। बिकॉज देखो यार, ये सबको पता है कि M762 M4 के मुकाबले रिकॉइल के मामले में थोड़ा सा ज़्यादा है और डैमेज के मुकाबले में भी है। तो वैसे तो यार मैंने अपनी M762 को भी ठीक ठाक बना के रखी है, बट अगर तुमको नहीं बनाना आता तो चलो मैं तुमको बताता हूँ। तो जैसे तुम सेटिंग में आओगे फिर सेंसिटिविटी पे जाओगे ना, तो तुमको ऊपर एडवांस सेटिंग दिखेगा, उसमें तुमको चले जाना है। और यहाँ आने के बाद तुम एक पर्टिकुलर गन सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब जिसकी सेंसिटिविटी तुम बनाना चाहते हो ठीक ठाक। तो मैं यहाँ से M762 सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद तुमको अगर जायरो प्लेयर हो तो आ जाना है जायरोस्कोप सेंसिटिविटी पे, और नॉन जायरो हो तो तुम एडीएस सेंसिटिविटी ठीक ठाक कर लेना अपने अकॉर्डिंग। तो अब चलो मैं अपना टीवीपी नोस्कोप M762 के लिए 260 रख लेता हूँ। और देखो अब यार, ये तो था हमारा ही फायर के लिए, है ना, और अब तुम देखोगे स्प्रे के लिए। तो चलो सबसे पहले चेकआउट करो। तो जैसा तुमने देखा M4 में मेरा 4x ठीक ठाक चलता है, और M762 में यार रिकॉल का तो क्या ही सीन था, तुम देख ही चुके। M762 में अपना 4x ठीक ठाक करने के लिए तुमको सबसे पहले अपना एडवांस सेंसिटिविटी पे आ जाना है। तुम देख लेना अपने अकॉर्डिंग माइनस प्लस करके, मतलब अगर तुम्हारा रिकॉल ऊपर की ओर हो रहा है तो तुम्हारी सेंसिटिविटी कम है तो तुम उसमें प्लस कर देना, और नीचे की ओर हो रहा है तो तुम्हारी सेंसिटिविटी ज़्यादा है तो उसमें उस केस में तुम माइनस कर सकते हो। तो मैं अब अपनी M762 की 4x की सेंसिटिविटी पे +10 ऐड कर लेता हूँ। और चलो अब देखते हैं। तो मे भी मेरा दोनों गन में 4x की सेंसिटिविटी ठीक ठाक हो गई, मेरी M4 में भी और M760 में भी, जैसे कि तुम देख सकते हो। और ऐसे ही करके तुम अपनी किसी भी गन के लिए, मतलब जिस गन में तुम्हारा रिकॉइल ज़्यादा होता है उसकी सेंसिटिविटी ठीक ठाक कर सकते हो। और चलो अब मैं तुमको दिखाता हूँ कि जो हमारी एडवांस सेंसिटिविटी होती है वो हमारे लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी क्यों हो जाती है। तो चलो अब उसे देखते हैं। तो सबसे पहले तो चलो हम एक M24 ले आते हैं और एक DP28 ले आते हैं। जैसा कि तुम जान सकते हो कि हमें M24 में स्नैपिंग करनी पड़ती है और DP28 में बस्ट मारना पड़ता है। तो देखो अभी मैं M24 ले आया हूँ और मेरी 4x की सेंसिटिविटी है रिकॉइल कंट्रोल करने वाली, है ना, मतलब स्प्रे देने वाली। और उसमें मैं देखो हेड मारने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरा नहीं लग रहा है ना। तो देखो मोस्टली बंदूक की ना मेन प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उनकी 4x की सारी गन की सेंसिटिविटी सेम होती है। तो देखो यार, तुम स्प्रे की सेंसिटिविटी में तो स्नाइपिंग नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि स्नाइपिंग की सेंसिटिविटी थोड़ी लो होती है। तो उसे ठीक करने के लिए चलो अब सबसे पहले हम आ जाते हैं वहीं अपनी एडवांस सेंसिटिविटी पे, और यहाँ आके हमें अपना पर्टिकुलर गन सेलेक्ट कर लेना है। तो हमें अभी M24 का बनाना था, तब M24 सेलेक्ट करने के बाद हम अब आएंगे अपनी 4x की सेंसिटिविटी पे, है ना, जायरोस्कोप की, और यहाँ आके हम इसको कम करेंगे। तो चलो मैं इसको अब 100 रख देता हूँ। तो चलो अब देखते हैं हमारी M24 की सेंसिटिविटी ठीक ठाक हुई कि नहीं। और ये तो हो गई यार हमारी स्नाइपिंग के लिए, और अब चलो हम देखते हैं अपने बस्ट के लिए। तो सबसे पहले तो चलो हम अब DP28 पे स्प्रे देके देखते हैं ना, और इसके बाद ठीक करेंगे। तो अब तुम लोगों ने भी DP28 में 4x का जो रिकॉल था उसे देख ही लिए, तो अब चलो इसे भी ठीक करते हैं। तो वहीं एडवांस सेंसिटिविटी भी आके अब DP28 सेलेक्ट कर लेंगे और फिर जाएंगे अपनी जायरोस्कोप में और 4x सेंसिटिविटी पे, और इसे भी हमें अपने अकॉर्डिंग माइनस प्लस कर लेना है। तो चलो मैं इसे 200 पर रख लेता हूँ। और चलो अब देखते हैं। तो चलो अब डीपी में भी 4x का स्प्रे तो ठीक ठाक हो गया, और चलो अब अपना बस्ट चेक करते हैं।
तो आई होप यार कुछ ऐसे ही करके तुम भी अपनी हर गन के लिए ठीक ठाक सेंसिटिविटी बना लोगे। और अगर ये वीडियो तुम्हारे लिए कुछ थोड़ी भी हेल्पफुल हुई होगी तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं यार किसी न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।